नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नावकोठी ब्लॉक परिसर में पूर्व संसद सदस्य और लोक प्रसिद्ध नेता रिजवान अली का विभिन्न मांगों के समर्थन में 34वें दिन शुक्रवार को भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। धरना के दौरान परिसर में भाषण और पर्ची के माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास जारी है। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने विकलांग, विधवा और वृद्धजनों के लिए दी जाने वाली पेंशन राशि में अन्य राज्यों की तुलना में विषमता, पंचायत सरकार भवन, आयुर्वेदिक औषधालय का जीर्णोद्धार की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि आसमान छूती महंगाई में वृद्ध, विधवा और विकलांग जनों को कम से कम 5,000 का मासिक भत्ता दिया जाए। वहीं पर्चाधारी को भूमि पर कब्जा दिलाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इन सभी मांगों को पूरा होने तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर भी कई तरह के आरोप लगाए। 34वां दिन ये धरना है। हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिनों से 14 अप्रैल से धरना दे रहे हैं और देशव्यापी राष्ट्रीय अनिश्चितकालीन धरना। आज का हमारा विषय, वैसे तो हमारा प्रमुख मांग है 5,000 विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन पूरे देश के लोगों को एक समान दिया जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा मांग है कि महिलाओं को 33% आरक्षण पूरे देश में लागू किया जाए। और अभी लोकल जो हमारा इशू है, जिस पर आज हम फोकस देने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं प्रशासन को, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पंचायत सरकार भवन नावकोठी प्रखंड मुख्यालय के बाद बाजार में बनना था, जो 2017 से हमने परिवाद लड़ते लड़ते परेशान हैं, लेकिन CEO इतना भ्रष्ट है कि उस सारी जमीन को अतिक्रमणकर्ताओं के पक्ष में ही आज तक है, जबकि उसका जमाबंदी कैंसिल करने का, रद्दीकरण करने का आदेश 17 में ही उसको मिला है CEO को, लेकिन आज तक नहीं किया। इसीलिए वो महत्वाकांक्षी योजना खटाई में पड़ा हुआ है। इसमें दोनों अपराधी हैं, अपर समाहर्ता भी और CEO भी, जो अतिक्रमणकर्ताओं से मोटी राशि वसूल करके इसको लंबित रखे हुआ। और दूसरा हमारा मांग है पशु चिकित्सालय जो नावकोठी ब्लॉक में बनना था, और प्राथमिक ये आयुर्वेदिक अस्पताल नावकोठी में जो लाखों कुमरी का है, उसके सामने की जो जमीन है रोड पार, वो 3.5 कट्ठा था जिसमें पशु चिकित्सालय बनना था। 17 से ऐसा CEO नहीं कर रहे हैं, जबकि उसमें शिक्षक और जाली पत्रकार का बड़ा सा आवास बनवा डाले हैं और लाखों रुपया उसमें रिश्वत इन्होंने लिया, जबकि CEO ने खुद कबूल किया है कि ये लाखों कुमरी के जिला गजट की भूमि है। दूसरा एक और जगह, 1 बीघा जमीन है नावकोठी मौजे में, जिसको पशु चिकित्सालय के लिए देना था, लेकिन 2003 से अभी तक सरकार मांगती रही है और ये CEO अधियाचना नहीं आया, ये झूठा आरोप लगा के पशु चिकित्सालय, पशु विभाग को, पशुपालन विभाग को धोखा में रखा है कि अभी तक अधियाचना नहीं आया और अभी तक निर्माण होने नहीं दिया है। ये दो मांग पर हम विशेष रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। वी टाइम न्यूज के लिए नावकोठी बेगूसराय से चंद्रकिशोर पासवान की रिपोर्ट।